Welcome student, today we are going to discuss next topic from chapter number 9. The chapter is pointer. Our topic is array of pointer, yani ki pointer ka array, ya ek tarike se kahen array type ka pointer kis tarike se ho. To yahan par hum ek simple program ke जरिए समझेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आपको इसके बाद में एक और प्रोग्राम दिया जाए जो एरे पॉइंटर से ही रिलेटेड हो. तो आइए हम पहले इस प्रोग्राम को देख लेते हैं. इस प्रोग्राम में हमने सिंपली क्या किया है कि यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमने इंट वैल्यू और एक एरे बनाया है और इसमें मैंने तुरंत इनिशलाइजेशन भी कर दिया है. 2, 4, 6, 5, 9 इस तरीके से वैल्यूज को मैंने इनिशलाइज कर दिया है. उसके बाद में int i एक वेरिएबल लिया ताकि हम लूप चला सकें और for i equal 0, i less than 4 और i plus plus, ये हमने अपने for लूप में पूरा स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट दिए हैं क्योंकि for लूप हमारा तीन स्टेटमेंट लेता है. तो i को हमने 0 इनिशियलाइज किया है. क्यों? क्योंकि हमारा एरे जो होता है वो हमेशा 0 से चलता है. तो आपको पता होगा ये 0, इसकी पोजीशन 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है और इसकी 4 है. इस तरीके से हमारा जो एरे है वो 4 बार 0 से लेके 4 बार यानी टोटल 5 बार रन होगा. तो इसी प्रकार से आगे देखें, सबसे पहले पोजीशन नंबर 0 पे देख लेते हैं. पोजीशन नंबर 0 पे हमारा क्या है? 2 है. तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर कंडीशन 0 है और उसके बाद में आई की वैल्यू हमारी क्या थी, आई की वैल्यू थी हमारी 0. तो आई की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, कंडीशन सही है. अंदर आएगा, अंदर आने के बाद में एड्रेस किसका प्रिंट करना है, वैल्यू आई के अंदर. आई क्या है हमारा, आई इस समय है 0, वैल्यू तो वैल्यू ही रहेगा क्योंकि ये हमारा एक वेरिएबल है. तो 0 पे क्या पड़ा है, 0 पे पड़ा है हमारा 2. तो इस तरीके से 2 है, लेकिन यहाँ पर ये 2 नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट ये एम्परसेंट का साइन लगा है तो इसलिए एड्रेस प्रिंट होगा. मान लीजिए इसका एड्रेस है हमारा 2000, ये एड्रेस है, उसके बाद में ये एड्रेस प्रिंट हो जाएगा. आगे बढ़े इस तरीके से, ये एड्रेस प्रिंट हो गया. आगे बढ़े तो कंटेंट परसेंट डी ये दो बार लिखा है. तो परसेंट डी वैल्यू तो हमारा एक सिंपल वेरिएबल है और आई की वैल्यू क्या है, आई की पोजीशन है हमारी 0, आई की पोजीशन कितनी है 0 और आई पे पड़ा क्या है 0 पे 2. तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई एड्रेस साइन नहीं लगा रखा है. तो इससे आप समझ जाएं कि यहाँ पर हमारा वैल्यू से लेना देना है. तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 2, ये 2 आएगी. फिर उसके बाद में ये अगला परसेंट डी देखें, ये पॉइंटर का साइन है और वैल्यू प्लस आई, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं. लिखने के कई तरीके दिए गए हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू हमारी आएगी 2. अगले प्रिंट अप में आते हैं. तो इसमें परसेंट डी दो बार दे रखा है. तो इसमें पॉइंटर आई प्लस वैल्यू हमारा वेरिएबल है और आई की पोजीशन कितनी है 0, आई की पोजीशन 0 है. वैल्यू के 0 पोजीशन पे जो वैल्यू एक्सेस करनी है पॉइंटर थ्रू अगर हम कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 2. इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई और स्क्रिप्ट में वैल्यू लिख सकते हैं. तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू आएगी 2. इस प्रकार से पहली बार लूप चल गया. फिर से आई की वैल्यू पहले तो थी 0 और प्लस प्लस से प्लस 1 हो गया. तो अब कितनी हो गई, अब हो गई है हमारी 1 और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि क्या 1 4 से छोटा या बराबर है, हाँ छोटा है, कंडीशन सही है. फिर से अब यहाँ पर देखें i की वैल्यू 0 से हो गई 1, फिर से ये 1 नंबर का एड्रेस प्रिंट करेगा
जब वन नंबर का प्रिंट करेगा एड्रेस तो आएगा 4, क्योंकि इंटीजर हमारा 2 बाइट लेता है। उसके बाद में कंटेंट में यहाँ पर देखें आई की वैल्यू की पोजीशन कितनी हो गई थी, 0 से 1 हो गई थी। तो यहाँ पे 1 लिखे और 1 पे क्या पड़ा है, ये देखें 1 पे पड़ा है हमारा 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 4। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट टाइम में यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़े तो पॉइंटर के थ्रू हमने वैल्यू को एक्सेस किया है, तो यहाँ पर फिर से हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। अगले प्रिंट अप में आए तो इसी तरीके से दोनों परसेंट ही क्या होंगे, यहाँ पर पॉइंटर i प्लस वैल्यू के थ्रू फिर से 4 प्रिंट होगा, इसी प्रकार से सो ऑन ऐसे प्रिंट होगा। अगली बार में फिर से हमारा लूप चलेगा। तो यहाँ पर आते हैं, पहले इंक्रीमेंट करते हैं और i की वैल्यू कितनी है, 1 थी और 1 प्लस हो गया फिर से, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यहाँ पर कंडीशन चेक कर लें आप, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये बात सही है, 2 लेस देन है। फिर से आए यहाँ पर, अब की बार वैल्यू में जो i पास है i की पोजीशन कितनी है, अब की i की पोजीशन है हमारी 2, तो यहाँ पे एड्रेस साइन लगा इसलिए ये एड्रेस प्रिंट करेगा फिर से 2004 और 4 प्रिंट करेगा। आगे आए तो यहाँ पर फिर से i की पोजीशन चेंज करते हैं 2, और 2 पे क्या पड़ा हुआ है देखें आप, 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार सेकेंड टाइम में भी 6 प्रिंट हो जाएगा, इसी प्रकार थर्ड टाइम में 6 प्रिंट होगा और फिर से 6 प्रिंट होगा। इसी तरह से फिर से इंक्रीमेंट करते हैं, i की वैल्यू थी 2 और अब कितनी हो गई, 3। कंडीशन चेक करें, ये आ गया 3। आगे बढ़े तो यहाँ पर i की पोजीशन हो गई 3, 3 का एड्रेस फिर से प्रिंट होगा, तो 3 का एड्रेस होगा 2006। और अब अगले लाइन पे आए तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब i की पोजीशन कितनी बढ़ गई, अब इंक्रीमेंट हो गई 3 हो गई, और 3 पे क्या पड़ा है हमारा, 5 पड़ा है। यहाँ पर ये 5 आ गया तो फर्स्ट टाइम में 5 प्रिंट हो जाएगा, इसी प्रकार से सेकेंड टाइम में 5 प्रिंट होगा, फिर थर्ड टाइम में 5 और फोर्थ टाइम में 5। ये चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है। फिर से अगली बार देखें, फिर से इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद में i की वैल्यू थी हमारी 3 प्लस 1 तो कितनी हो गई, 4। यहाँ पर देखें 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, 4 लेस देन तो 4 नहीं होता लेकिन 4 इक्वल टू 4 होता है, अभी ये कंडीशन सही है। तो आगे बढ़े तो यहाँ पर फिर से i की पोजीशन कितनी है, 4, तो पोजीशन नंबर 4 का ये एड्रेस प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पे देखें एड्रेस साइन लगा है, तो यहाँ पर पोजीशन नंबर हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 4, तो ये 4 का एड्रेस आ गया। उसके बाद में आगे कंटेंट में जाएं, मतलब अगले प्रिंटर पे जाएं, तो यहाँ पर हमारी i की पोजीशन थी 4 और 4 पे क्या पड़ा था ये देखें आप ध्यान से, 9, ये 9 पड़ा हुआ है, 9 इस तरीके से यहाँ पर आ गया और यहाँ पर फर्स्ट टाइम में 9 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड वाला प्रिंट परसेंट ही है, तो यहाँ पर फिर से इस तरीके से भी प्रिंट कराया गया है, फिर से 9 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से 3 टाइम में और 4 टाइम में 9 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार में देखें, ये भी इस बार भी लूप चल गया, फिर से इंक्रीमेंट हुआ, तो i की वैल्यू कितनी थी, 4, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 5। कंडीशन चेक करें, 5 लेस देन और इक्वल टू 4, तो ना तो 4 से 5 कम होता है ना ही बराबर होता है, इसलिए यहीं पे हमारा लूप खत्म हो जाएगा और हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से पूरा प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा एरे ऑफ पॉइंटर का। इस वीडियो में आपने ये देखा कि हम अपनी एरे पर पड़ी हुई वैल्यू को कितनी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ये आपने एरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू जाना और इसको समझा। अगर इस वीडियो में जो भी आपको प्रोग्राम के थ्रू बताया गया है एरे ऑफ पॉइंटर में अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे क्वेरी करें। थैंक यू स्टूडेंट।